अरे गोपी, ओ बेटी गोपी, कितनी देर है, बाहर आओ। अब अभी जल्दी आओ ना, हमें देर हो रही है, फिर कितने दूर जाना है। अभी क्या कर रही थी अब तक? लिपस्टिक लगा रही थी। ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे बाबूजी को बोल देती हूँ। ए जी सुनते हो, मैं और गोपी मेरी सहेली के यहाँ शादी में जा रहे हैं। अरे मेरी बात सुन। हाँ बोलिए। मेरी गोपी का खेल रखना, मेरी गोपी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अभी लो, कैसी बात करते हो? अगर ये आपका कलेजे का टुकड़ा है तो मेरी भी जान बसती है इसमें, मैं ना इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, अपना घर का ख्याल रखना। ठीक है, चलो गोपी, हमें देर हो रही है। चल भाई मोटे नीचे आ जा। हाँ? एक मोटे। हाँ? मेरा चाकू ला। ले। अब हम शराब बेचने का धंधा बंद कर रहे हैं और छोटी छोटी लड़की पकड़ने का धंधा चालू कर रहे हैं। ओके, छोटी छोटी लड़की पकड़ेंगे, दुबई में जाके बेचेंगे, एक लड़की का हमें 20 लाख मिलेगा। 20 लाख? 20 लाख। रोक, मैं उदय भाई को फोन कर लेता हूँ। हाँ उदय भाई, हम लड़की पकड़ने जा रहे हैं, जैसे ही लड़की हमें मिलेगी हम आपको कॉल करेंगे। हाँ, और एक लड़की का 20 लाख लेंगे। ओके, हाँ पता है 15 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है। हे मोटे। हाँ? लड़की 15 साल से कम होनी चाहिए, वरना वो लोग नहीं खरीदेंगे। ओके, लेकिन 18 साल की होगी, अगर हम उसको पकड़ लेंगे तो एक मैं रख लूंगा। अरे हराम खोर, धंधे में हलकत, धंधे में हलकत करके ना मार डालेगा। धंधा ठीक से करना। ओके, ठीक से करना। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चल बैठ। और धंधा चाहे कैसा भी हो, धंधा धंधा होता है। बैठ बैठ बैठ। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है ना, तो उधर डीजे बज रहा है ना, उधर हमें छोटी लड़की मिल जाएगी। चल बैठ, चल चल बैठ। जैसे लड़की दिखेगी मैं उसे पकड़ूंगा। ओके ओके, चलने दो। चलो गोपी, आगे जाके हमें कोई रिक्शा मिल जाए ना, तो हम रिक्शा में बैठ के चले जाएंगे। ठीक है, अभी कोई रिक्शा भी नहीं आ रही। अभी गाड़ी क्यों रोकी? इधर आ, इधर आ। ए सरीला, सरीला। अभी क्या है? अबे क्या है? छोड़ दे। क्या है तुझे? छोड़ दे मेरी बच्ची को। अबे छोड़ दे मेरी बेटी को। किसी को बताया ना तो मार दूंगा, समझ गई? और मेरी बात सुन, 5 लाख रुपए लेके जो पुरानी हवेली है ना उसके पीछे आ जाना, वरना मार डालूंगा, समझ गई? 5 लाख रुपए हमारे पास कहाँ से हो गए? अरे कुछ बेच, घर बेच, खेत बेच, कुछ बेच, मुझे क्या? अबे छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो। अबे छोड़ दो मेरी बच्ची को, अबे छोड़ दो बेटी, छोड़ दो मेरी बच्ची को, अबे छोड़ दो। अब मैं क्या करूं, ये तो मेरी बेटी को उठा के ले गए। अभी मैं एक काम करती हूँ, मेरे पति को भी नहीं बताना, मैं ना पुलिस स्टेशन ही चली जाती हूँ। हाँ एक काम करती हूँ। साहब जी, आजकल लड़कियों का बिजनेस बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है, कितनी सप्लाई हो रही है लड़कियों की, जितने पिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बात ही ना पूछिए, और आजकल मीडिया वाले भी हमारे पीछे पड़े हैं, हमें और चौकन्ना होना पड़ेगा। अब क्या करें साहब जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा इस गिरनापर का। ओ सर, मेरी बेटी का किडनैप हो गया है, प्लीज आप लोग चलो और मेरी बेटी को बचा लो। कहाँ से किडनैप हुआ? अभी यही बाजार से, मैं और मेरी बेटी जा रहे थे, एक गाड़ी वाला आया और दो अंदर दो लड़के थे, और एक ने मेरी बेटी को उठा लिया, एक ने मेरे गले पे चाकू रखा और लेके चले गए। चलो हवालदार। देखा साहब जी, मैंने बोला था ना आजकल बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं इसके, चलिए जल्दी। चलो मेरी बच्ची को बचा। Thank you.
चल। ए, लड़की को नीचे उतार। ए, उतर नीचे। ए, चल नीचे उतार। मुझे छोड़ दीजिए। अब चुप कर वरना मार डाल। छोड़ दीजिए। बोले ना चुप कर। ए, ये बंद कर, उठा इसे, इसे ले ले अंदर चल। अबे ओए मेरी बात सुन, तूने इसके मम्मी के पास 5 लाख रुपए क्यों मांगे? अरे हराम खोर, हमें 5 लाख ज्यादा मिलेंगे तो तुझे क्या दिक्कत है? 20 लाख हमें इसे बेचने के मिल रहे हैं, 5 लाख उसकी मम्मी देगी, क्या दिक्कत है? लेकिन तो फिर इसको देना नहीं पड़ेगा उसकी मम्मी को? अरे नहीं देना है उसकी मम्मी को, उसकी मम्मी लेने आएगी ना, 5 लाख ले लेंगे और उसकी मम्मी के साथ। समझ गया मैं। चल चल चल। चुप कर चुप कर, ज्यादा खुश मत हो, चुप छापी से अंदर ले ले। ए, कुछ बोलना मत। चलिए फाटी जल्दी चलिए, चलो चलो गाड़ी में बैठो। क्या नाम है तेरा? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? रुक, अभी कैसे नहीं बताएगी? अभी तुझे हम कंटेनर में चढ़ाएंगे और दुबई भेजेंगे। तेरा 20 लाख आएगा, फिर हम दोनों एच करेंगे एच। ए, ए, अगर किसी को बताया ना तो माँ कच्छम इधर ही मार डालेगा। लेकिन ना किसको बताएगी, इसको तो हम दुबई भेजने वाले हैं। फिर दुबई जाके ऐसे कमरिया हिलाना, उधर बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, तुझे बहुत ख्याल रखेंगे। बड़े बड़े बंगले में तुझे ले जाएंगे, फिर गुटर 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 दे धना धना। समझ गई समझ गई। अभी से तो गाड़ी आई नहीं है। डरना मत, मेरे पहचान वाले लोग है, पुलिस वाले हमें हफ्ता देता है। भागना मत, मैं हूँ, भागना मत। इधर इधर आगे आ जा, आगे आ जा इधर। डरना मत, डरना मत। ए लड़की कुछ मत बताना, ओके? अबे छोड़ दे लड़की को, छोड़ लड़की को, छोड़ छोड़ लड़की को, छोड़। मैं छोडूंगा, मैं छोडूंगा। अबे छोड़, मम्मी छोड़ दिया, मारा मत, छोड़ दिया, छोड़ दिया, मारना मत, छोड़ दिया। अबे आराम खोरो, तू ऐसा काम क्यों करते हो? बाप रे, अरे कैसा काम भाई, हमारा तो धंधा है। चलो वालदार, एक काम करो, इसको जेल में ले चलो। नहीं नहीं साहब जी, इसे जेल में नहीं ले जाना, इसे तो अभी इनकाउंटर ही कर देते हैं। कितनी लड़कियों को ये किडनैप कर चुके होंगे। अरे नहीं भाई, अभी तो चालू किया था पहली लड़की की। सभी पकड़े जाने के बाद यही बोलते हैं। अरे माँ कसम झूठ नहीं बोलता है, मैं पहले शराब बेच रहा था, आपको यकीन नहीं है ना? नहीं। इधर आ, उस वही से होटल के नीचे, चाय के होटल के नीचे शराब बेच रहा था कि नहीं? देखो इसे 100 रुपया हफ्ता भी दे रहा था। साहब जी, ये 100 रुपया हफ्ता खा रहा था। बोला था ना मेरे पैसा वाले लोग। वो सब बात छोड़ो, इसको जेल में ले चलो, इसको है ना हम लोग बर्फ पे सुला सुला के इसकी पिटाई करेंगे। चलो ये सही है। अरे बाप रे, बर्फ पे? मैं बर्फ पे ज्यादा देर बैठ नहीं सकता हूँ। वो तो हम बिठा देंगे ना। मैंने तुझे कहा था भाग, लेकिन तूने नहीं माना मेरा, तो अब भाग, अब भाग, अब भाग। बाप रे, भागता कहाँ है, गाड़ी में बैठ। चलो भाई, इसे ना आप छोड़ना मत, इसने ना मेरी बेटी को किडनैप किया। आ रहा हूँ, चलो आ रहा हूँ, चलो आ रहा हूँ। गाड़ी में बैठ। ए भाई मोटे बैठ जा। ए बाप रे, मोटे यार, हमारा किस्मत खराब है, हम शराब बेच रहे थे, वो बात वो काम सही था, अब ऐसे लड़की के धंधे में आए, पकड़े गए और अब ये साहब हमें पुलिस स्टेशन जाके बहुत मारेंगे, मुझे पता है। आज तो पूरा हाथ साफ करेंगे तुम भी, तेरा पिछवाड़ा बहुत असली है। असली है भाई, तू तो मार सहन कर सकता है, मैं तो पतला हूँ, मेरा क्या होगा बॉस, आदत हो जाएगी। छोड़ दीजिए ना, हमें छोड़ दीजिए।